राजधानी शिमला के ओल्ड बस्टर में दो एचआरटीसी बसों की भिड़ंत में महिला और पुरुष को गंभीर चोटें आई हैं। हादसा सुबह 10 बजे के करीब पेश आया जब ओल्ड बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी बस को दूसरी एचआरटीसी की बस ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से खड़ी बस से बाइक भी चपेट में आई है। दोनों घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जबकि बस का ड्राइवर मौके से फरार है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि एचआरटीसी की खड़ी बस को दूसरी एचआरटीसी बस ने टक्कर मार दी जिसमें एक महिला और पुरुष को गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एचआरटीसी की तरफ से कोई भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने नहीं आया और न ही मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं मौके पर मौजूद दूसरे टैक्सी चालक ने बताया कि वो हादसे के वक्त गाड़ी में ही बैठे थे, उन्हें भी हल्की चोटें आई हैं लेकिन गनीमत रही कि वे बच गए। मैं गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी एचआरटीसी की जो लगी हुई थी ना सामने, इसके पीछे दूसरी बस जैसे ही आई इसमें एक्सीडेंट दबाया कि ब्रेक दबाई कोई पता नहीं है। उसके बाद गाड़ी एकदम पटाखा और आगे बंदा था, बंदा या गाड़ी के पीछे दोनों, हाँ जी लेडीज तो पीछे थी, उसको तो पिछली बस पिछली साइड से बजी हो, बाकी जो बंदा था वो लाइव देखा मैंने। वो बंदे में जैसे बस बजी फिर रेलिंग टूट के और मेरी गाड़ी के पास तो आपकी गाड़ी को भी क्षति पहुंची? हाँ जी हाँ जी, मैं अंदर गाड़ी बैठा, थोड़ी चोट मेरे को लगी टांग में। जो आपने बंदा कुछ नहीं बोल सकते, वो तो गंभीर स्थिति में है, जैसे जिस हिसाब से उनको चोट लगी है गाड़ी का जो प्रेशर से उसको बच गए, मतलब हाँ जी हाँ हाँ जी बिल्कुल। आपकी भी चोटें आई गई? हाँ जी थोड़ी चाहिए टांग में, तो मेरे को तो उस टाइम पता नहीं लगा ना एकदम जैसे अब एकदम जैसे गाड़ी है, मेरे को तो खुद बचने की कैसे क्या हो गया। बस मौके पर यहाँ पर कोई पुलिस आई, जवान कोई पुलिस वाले कोई नहीं आए जी, ना एचआरटीसी वाला आया कोई भी। यहाँ पे हम लोग ही थे, टैक्सी वाले जो थे, जो उसको हमने उठाया, जो जेंट्स थी ना और लेडीज थी पीछे, उनको हमने उठा के रिपन गाड़ी में भेज। यहाँ पर एक पुलिस सहायता कक्ष भी है, वो भी नहीं यहाँ पर पहुँचे उस टाइम, कोई नहीं आया। हादसा हुआ है 10:30 बजे। और क्या नुकसान इसमें हुआ है? इसमें नुकसान हुआ है कि एक जेंट्स और एक लेडीज बस के नीचे आ गई और उनकी टांगे शायद टूट गई हुई है, और एचआरटीसी का एक भी उस ड्राइवर या एक भी कनेक्टर यहाँ हेल्प करने नहीं आया। हमने अपने आप बस के नीचे से उठाए, गाड़ी में बिठाए, रिपन ले गए। अगर लड़ाई की बात होती तो ये 100 आदमी इकट्ठा हो जाता एक मिनट में, लेकिन जब मरने की बात थी तो एक भी उस्ताद या कनेक्टर हेल्प करने नहीं आया। हमने अपनी गाड़ी में छोड़ा और रिपन में भी अपने आप उतारा, अपने आप अंदर बेड तक ले गए। सिर्फ एक बस का उस्ताद इसका, जिसकी गलती नहीं थी, वो गया साथ में, बाकी पीछे वाली बस का गलती किसकी? गलती बस की है। ये बोले अगर ब्रेक फेल है तो ब्रेक फेल का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5-5 मिनट से दोनों गाड़ियां यहां खड़ी थी तो ब्रेक फेल कैसे हो जाएगी? तो मुड़ रही थी दोनों बसें? मुड़ नहीं रही थी, ये भी काउंटर पे लगी थी, यहाँ जा रही थी और पीछे वाला वो आया, उसने सीधा इसको मार दिया। जो लोग इसकी चपेट में आए हो, बीच में आए, बस के आगे खड़े थे वो, और उसी दही वो नीचे आ गए। हाँ, और 40-50 साल की उनकी एज है। पर सबसे हैरानी की बात ये है कि एचआरटीसी का कोई भी आदमी आया हेल्प करने नहीं आया, या उनको गाड़ी में बैठा दो या ऊपर उतारने भी है, कोई नहीं। सिर्फ टैक्सी वाले ने उनको गाड़ी में बिठाया और वहाँ भी व्हील चेयर पे ले जाके अंदर बेड तक टैक्सी वाले ही ले गए। वो बस का जो ड्राइवर कहाँ भाग गया? वो भाग गया, पीछे वाली बस का ड्राइवर भाग गया, आगे वाली का साथ गया।